सो अभी बजे है दोपहर के 2 बजे, जो मैं अपनी बेबी को लेकर पार्क में जा रही हूँ। फैमिली के साथ दीदी आई है, तो उनके साथ मैं उसे लेकर पार्क में जा रही हूँ। सो बहुत मज़ा आने वाला है, पार्क खाली रहेगा, फाका रहेगा। अच्छा, ये है चोइती, ये भी आई हुई है काफ़ी दूर से। इसे आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंस्टाग्राम करती है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे फॉलो करो। चलो पार्क में जाके मिलते हैं। अभी फाका फाका है क्योंकि अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है अभी। सो हम जाके थोड़ा बॉल खेलेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे। ओके, चलते हैं फिर पार्क में। सो गाइस, पार्क ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सो मैंने ये प्रैम जो मैंने बच्चे को ये निकाला हुए 6-7 महीने के बाद निकल रही हूँ। स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, इसे निकाल के आज लेके जा रही हूँ। सो इसको ये प्रैम ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हम इसे लेकर निकल नहीं पाए, तो ज़्यादा यूज़ हो नहीं पा रहा है, इसलिए अभी निकल। सो गाइस, हम आ गए पार्क में, लेकिन ये पार्क इतना बड़ा है, एंट्रेंस बहुत सारे हैं और पार्क बहुत बड़ा है। उस कॉर्नर में आपको दिखाई नहीं देगा, आप आंखों से देख नहीं पाओगे, पूरा चींटी की तरह दिखाई देगा, इतना छोटा। ये देखो, धूप बहुत लगी आज, बहुत कड़ा। बच्चे देखो यहाँ पे एक्सरसाइज कसरत करेंगे, अंदर जाके थोड़ा बॉडी बनाएंगे, कसरत करेंगे। सो गाइस, हम अंदर आ गए हैं, बच्चे वाला पार्क में गए। लेकिन दूसरे टाइम जब मैं आती हूँ इसे लेकर, तो मैं बड़ों की पार्क में जाती हूँ, वहाँ पे जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरा है और कोई गड्ढे वगैरह नहीं है। लेकिन आज बहुत धूप है, इसलिए हम यहाँ पे बच्चे के पार्क में घुस गए, क्योंकि वहाँ पे बड़े पार्क में कोई शेड नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज है, तो उसका शेड है यहाँ पे। लेकिन जो ये बच्चे वाला पार्क है, इसमें थोड़ा सा गंदा ज़्यादा है अभी अभी, क्योंकि ये रिसेंटली ओपन रीओपन हुआ है, बंद हो गया था, फिर से इसे खुला गया है, कुछ चीज़ें अभी ये सब रिपेयर हो रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो फिर इसलिए बहुत सारे चिप्स का पैकेट वगैरह वहाँ पे यहाँ पे गिरा पड़ा है, गंदा ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी यारू बहुत एक्साइटेड है। सो गाइस, इसे चलने सीखे हुए लगभग 1 महीने होने वाला है, ठीक से चलती नहीं है लेकिन गिर जाती है। लेकिन घर में इसका चलना होता नहीं है, एक्चुअली विंटर के वजह से घर में हमेशा सॉक्स पहन के रहते हैं, तो चलना होता नहीं। जब भी चलती है तो पैर को स्लिप कर जाता है, लेकिन जब भी पार्क में आती है तो वो होता नहीं, तो बहुत खुश होकर बहुत चलने लग जाती है, जो कि मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आरू के पार्क में खेलने के लिए लेके आती हूँ, जस्ट मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी चलना सीख जाए, इसीलिए मैं लेके आती हूँ। अब देख सकते हो धीरे धीरे गैदरिंग बढ़ रहे हैं, जो बॉयज़ खेलते हैं वो सब अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे, और वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करने की जगह है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे चलती है थोड़ी देर के लिए। मैं हर सैटरडे यहाँ पे आरू को लेके आती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ तो 2 बजे आ जाती हूँ, 3:30 के अंदर यहाँ से निकल जाती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे आने लग जाते हैं। एक्सरसाइज करने की जगह है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा एक्सरसाइज कसरत कर लेते हैं थोड़ा। देखो बहुत गर्मी है यहाँ पे, हम बहुत लाल हो गए, इतना मोटे मोटे कपड़े पहन के आ गया, घर के अंदर इतना ठंड था ना, बाहर आने के बाद बहुत ही गर्मी लग रही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर तरह के एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप हिप्स बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, थाइस बनाना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं भी हर शाम को यहाँ पे आया करती थी, 1 महीना हो गया मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ आने के लिए कोई दोस्त नहीं है, अभी अकेले पड़ गई हूँ इसलिए नहीं आ रही हूँ। Thank you.
ननू।